अरहत वितराग परमात्मा, आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव, आगम वाणी को भाव वंदना, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर का शासन सदा जयवंत रहे। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की देशना से स्थापित हुआ चतुर्विध तीर्थ। तीर्थ यानी जो तीर्थ है, चतुर्विध यानी चार प्रकार का। चार प्रकार का तीर्थ है जहाँ से कि तीरा जा सकता है, जहाँ रहा हुआ व्यक्ति आत्म साधना करके आत्म कल्याण को यानी मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। साधु तीर्थ, साध्वी तीर्थ, श्रावक तीर्थ और श्राविका तीर्थ, ये चार प्रकार का तीर्थ प्रभु महावीर ने बताया। प्रभु महावीर ने कहा कि कुछ जीव है जो साधु बनकर आत्म साधना करेंगे और मुक्ति को उपलब्ध होंगे, अगर स्त्री है तो साध्वी बन करके। इसी तरह से कुछ लोग गृहस्थ में रहकर के भी साधना करके मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुक्त होने के लिए सबको गृह जीवन का त्याग करना ही पड़ेगा, ऐसी उनकी देशना नहीं थी। यद्यपि आज अनेकों साधु साध्वी ऐसा कह देते हैं कि जब तक तुम संयम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, किंतु प्रभु महावीर ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु महावीर ने चार तीर्थ कहे। चार तीर्थ, तीर्थ का मतलब ही जहाँ से तीरा जा सके। तो कुछ है जो गृहस्थ में रह करके साधना करते हुए मुक्त हो जाएंगे और कुछ गृह त्याग करके मुक्त हो जाएंगे। दोनों के लिए मुक्ति का मार्ग समान रूप से है। यहाँ तक जैन दर्शन कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई केवल जैन धर्म को मानेगा, जानेगा, इसी को आराधेगा तो ही मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि जितने रास्ते संसार को जाते हैं उतने ही रास्ते मोक्ष को जाते हैं। जितने रास्ते संसार को जाते हैं यानी जितने जितने कारणों से एक इंसान संसार में रहा हुआ है, कर्म बांध रहा है, घटनाओं का निर्माण कर रहा है, अपना संसार बढ़ा रहा है, उन्हीं मार्गों पर अगर उसकी दृष्टि बदल जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा। यानी रास्ते बदलने की बात नहीं है, राह बदलने की बात नहीं, बदलना किसको है? दृष्टि को। दृष्टि बदली वही राह है, मुक्त हो जाओगे। दृष्टि नहीं बदली और रास्ता अच्छा भी अख्तियार कर लिया गया यानी साधु जीवन भी अख्तियार कर लिया लेकिन दृष्टि नहीं बदली तो यहाँ आकर के भी निर्वाण होने वाला नहीं है। इतना सुस्पष्ट है जैन दर्शन, कह ही नहीं रहा कि तुम जैनी बनोगे तो ही कल्याण होगा। उन्होंने तो एक बात कही, जिस रास्ते पे खड़े हो उसी पे दृष्टि को समकित बना लो, दृष्टि को शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो। अब दृष्टि मतलब क्या? दृष्टि मतलब है विचारणा, विचारने को दृष्टि कहते हैं, देखने देखने को दृष्टि कहते हैं। पर इस देखने के पीछे काम क्या कर रहा है? हमारा दिमाग, दिमाग काम कर रहा है, जो सोच रहा है। हम जो देख रहे हैं, देख तो दृश्य रहे हैं लेकिन इस दृश्य को व्याख्या कौन कर रहा है? दृश्य की व्याख्या तो दिमाग कर रहा है, और दिमाग जो दृश्य की व्याख्या कर रहा है, ये जो दिमाग दृश्य की व्याख्या करेगा वो क्या जैसा दृश्य है वैसी व्याख्या करेगा, या जैसा दिमाग की ट्रेनिंग है, जैसे दिमाग का लेवल है वैसी व्याख्या करेगा? दृश्य जैसा है वैसी व्याख्या दिमाग करेगा क्या? अगर ऐसा होता तो बड़ा आसान होता, सबके लिए सरीखे दृश्य हो सकते हैं, सबको सरीखी समझ आ जाती है, सबको सरीखी मुक्ति हो जाती या आनंद हो जाता या सफलता मिल जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दृश्य एक समान होते हुए भी सबके दिमाग की व्याख्या अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। एक फकीर है, शाम के समय में विचरण करते हुए कहीं जा रहा है, इधर सूरज छुप रहा है, हल्का सा एक सीन नजर आता है उसको कि एक महिला का शव पड़ा है रास्ते में, गांव के बाहर रास्ते में एक महिला का शव पड़ा है, और उस महिला के शव पर सुंदर लाल चुनरी की साड़ी पहनी हुई है और सोने और हीरे के आभूषण पहने हुए हैं। बड़ा साजो श्रृंगार किया गया उस शव पर,
अब शव पर तो नहीं, जब वो जीवित थी, हो सकता है उसकी शादी होने वाली हो सकता है वो किसी शादी के प्रोग्राम से लौट रही हो और किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो और वहाँ अकेला शव पड़ा है। अब फकीर उस शव को देखता है तो उस फकीर के मन में आता है, ओहो देह कितनी भी सुंदर हो, आखिर तो मरण धर्मा है, मृत्यु हो जाती है और मृत्यु में के साथ सारा सौंदर्य नहीं जाने वाला। ये स्त्री न जाने किन कर्मों के कारण से इस तरीके की मृत्यु को प्राप्त हुई, इसका शरीर वो देखता है, उसके मन का वैराग्य और पुष्ट होता है, वह आगे बढ़ जाता है और उस रात वो एक घंटा बैठ करके ध्यान में यही सोचता है कि इस शरीर कितना विनाशकारी है, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, मैं इस शरीर को कितना ही सजाऊं, कितना ही नहलाऊं, कितना ही धुलाऊं, इसके लिए हीरे जवाहरात सुरक्षित करूं और हीरे जवाहरात को पाने के लिए दिन रात कितने उपक्रम करूं, उसके बाद होगा क्या, जब मैं मर जाऊंगा तो इन हीरों की क्या कदर रहेगी, क्या मूल्य रहेगा। वो फकीर सोचता चला जाता है, सोचते सोचते उसको देहाध्यास छूट जाता है, शरीर के साथ उसका तादात्म्य हट जाता है और उसको समाधि लगती है। वही शव वहीं पड़ा, फकीर निकला और उसके जस्ट पीछे कुछ युवक निकले, मनचले युवक थे। उस स्त्री के शरीर को देख करके सोचा, ओहो मर गई, जीवित होती तो आज हमारे भोग के काम आती, इतनी सुंदर है, क्यों किसी ने मार डाला इसको, काश इसमें कोई प्राण फूंक दे और इसको मैं अपनी पत्नी बना लूं, इसको मैं अपनी प्रेमिका बना लूं। युवक उस स्त्री के शरीर को देख करके उसको प्रेमिका बनाने की चाहत से भर रहे हैं, उसको अपनी पत्नी बनाने की चाहत से भर रहे हैं और मन ही मन में कल्पना कर रहे हैं कि मुझे पत्नी मिले तो ऐसी सुंदर खूबसूरत पत्नी मिले, कितने सजे हुए इसका शरीर है, हाथ पैर कितने कोमल है, उसको छूते भी है और कुछ अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उस मृत देह पर भी अपने आवेगों को फेंक देते हैं और आगे निकल जाते हैं। ठीक उसके पीछे एक आदमी आता है, वो स्वर्णकार था, उसकी नजर भी उस देह पर पड़ती है और वो सोचता है अरे इसके आभूषण, वो आभूषणों को हाथ लगा करके खोलता है, देखता है और कहता है बड़े करीने से बनाई गई अंगूठी है, इतनी सुंदर डिजाइन किसने बनाई इस गांव में, मैं तो सोचता हूँ मेरे से बढ़ करके कोई बढ़िया डिजाइन बनाने वाला है ही नहीं, ये किसने बनाई। वो उसका सोने का आभूषण उतार लेता है, गले से कंठी निकाल लेता है और सोचता है ऐसी बढ़िया कंठी कितनी सुंदर बनाई गई है, मैं भी जाऊंगा और इसकी कॉपी करूंगा और ऐसी बहुत सारी कंठियां बनाऊंगा। उसका दिमाग उस देह पर नहीं, उसके पहने हुए आभूषणों पर होता है। उसके पीछे एक शमशान का रक्षक जो द्वारपाल होता है वो आता है और वह कहता है कि कौन पागल यहीं छोड़ गया इस मृत देह को, जलाया तक नहीं, अब कोई और जलाने आता तो मुझे 50-50 रुपए लकड़ी के भी मिलते, चिता के भी मिलते, अब तो इसे मुझे ही ले जा करके जलाना पड़ेगा और आज 50 रुपए की भी कमाई नहीं होने वाले। वो दुख से भरता है, फिर भी उस शव को ढोता है और जाकर के उसको चिता लगा देता है। एक ही शव है लेकिन जितने लोगों ने देखा सबकी दृष्टि अलग अलग है। ये संसार भी ऐसा ही है, एक ही दृश्य होता है लेकिन उस दृश्य पे सबकी व्याख्या अलग अलग होती है। जो हमारी व्याख्या है वह हमारी दृष्टि है, जो हमारी दृष्टि है वो हमारी व्याख्या है, हमारी विचारणा है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि दृश्य दृश्य है, उस दृश्य में ना पुण्य है ना पाप है, दृश्य निरपेक्ष है, घटना निरपेक्ष है, निरपेक्ष यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रहित है। घटना घटना है वह तो जड़ है, घटना घटना है वह तो जड़ है, जड़ है यानी उसके अंदर प्राण नहीं है, प्राण किसके होंगे उसके अंदर, शव में कोई प्राण नहीं है लेकिन देखने वाले के सबके अपने अपने प्राण है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और फिर जिसकी जैसी दृष्टि जिसकी जैसी विचारणा उसके लिए वह दृश्य वैसा दिखना वैसा काम करना चालू कर देता है। दृश्य कुछ नहीं कर रहा है, हमारी दृष्टि उस दृश्य में अपने प्राण डाल रही है और फिर वह दृश्य हमारी विचारणा के अनुरूप हमें फल देना शुरू कर देता है।
इसीलिए देखो कुछ लोग हैं जो पत्थर की प्रतिमा बना करके पैसे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, प्रतिमा बेचते हैं, उनकी आजीविका चलती है। और कितने सारे लोग हैं जो उस प्रतिमा को भगवान मान करके उस पर पैसा चढ़ा देते हैं, और फिर पैसा चढ़ा के भी क्या मानते हैं कि इनको पैसा चढ़ाया तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। और हैरानी है, एक तो पैसा बनाने के लिए मिट्टी की मूर्ति बनाता है, दूसरा उस मिट्टी की मूर्ति को भगवान मान करके उस पर पैसा चढ़ाता है, और फिर तीसरा ये सोच रहा होता है कि पैसा चढ़ाने से मेरा पैसा बढ़ जाएगा। अब वो मूर्ति क्या करे, वो मिट्टी की मूर्ति कुछ करती है? मिट्टी तो मिट्टी थी, उसको शायद पता भी नहीं कि मैं मूर्ति बनी हूँ, और उसको ये पता भी नहीं कि मेरे लिए बोली लग रही है, और उसको ये पता भी नहीं कि मेरे ऊपर पैसे चढ़ रहे हैं, और उसको ये पता भी नहीं कि लोग पैसा चढ़ा के भी अपना कल्याण मान रहे हैं। मूर्ति को कुछ नहीं पता, लेकिन हम सारे लोग अपने ही भावों से, अपने ही विचारों से, अपनी ही सोच से, अपनी ही विचारणा यानी दृष्टि से उस दृश्य में रंग भरते हैं, और फिर जो जैसा रंग भरता है उसको वैसा ही प्रतिफल भी प्राप्त होता है, उसको अपने रंग के अनुरूप वह दृश्य दिखलाई भी पड़ जाता है। इसको ऐसे समझो साइंस की भाषा में, कलर साइंस क्या कहता है कि ब्लैक और वाइट दो पट्टी, और दोनों पट्टी को सूरज की किरणों के सामने खड़े होकर के आप घुमाओ पूरे जोर के साथ में, आपको वहीं पर सात कलर दिखाई दे देंगे। वो कह रहे हैं इस दो कलर से हम सात कलर बना देते हैं। कंप्यूटर में चलो क्या होता है, चार रंग होते हैं, और चार रंग से कंप्यूटर कितने तरह के रंग बना देता है, कितने तरह के फैब्रिक्स बना देता है। आज जितनी भी दुनिया रंग बिरंगी दिख रही है, इस पूरी रंग बिरंगी दुनिया में इतने सारे रंग, आपकी साड़ियों के अलग रंग है, आपके घरों के वॉलपेपर्स के अलग रंग है, सब चीजों के इतने सारे कलर्स है, इन सब में बेसिक कलर कितने है? चार। कंप्यूटर में चार रंग होते हैं, और चार रंग से कितनी रंगीन दुनिया बन जाती है। अब हम देखें इस दुनिया में इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे रंग किसने भरे? श्री विराट गुरु जी की कविता की एक पंक्ति है, घटना का क्या पुद्गल वह तो भाव प्राण उसमें भरता, घटना का क्या पुद्गल वह तो भाव प्राण उसमें भरता, जड़ से आकर्षित प्राणी का कर्म बंध कारण बनता, जड़ से आकर्षित प्राणी का कर्म बंध कारण बनता। अब भी ना समझे विराट तो, अब भी ना समझे विराट तो, समझ तेरी अब भी बोनी है, हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद यह होनी है, तू ही जनक तेरी यह पुत्री चालें तेरी सलोनी यह है, हंसती तेरी उठा पटक पर। घटना का क्या पुद्गल वह तो भाव प्राण उसमें भरता, हमारे भाव घटनाओं में प्राण भरते हैं, जड़ से आकर्षित प्राणी का कर्म बंध कारण बनता, हम लोग जड़ से आकर्षित होते हैं और फिर कर्मों का बंधन कर लेते हैं। घटना एक सिंपल सी घटना होती है, कैसी भी घटना हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो लेने देने की हो, चाहे वो बोलने करने की हो, सारे व्यवहार घटनाएं हैं, इन घटनाओं में कुछ नहीं रखा है लेकिन हम लोग उसके अंदर रंग भरते हैं, फिर हम अपने रंगों के अनुरूप दुनिया देखते हैं, और अपने ही रंगों के अनुरूप कभी सुख पाते हैं तो कभी दुख पाते हैं। अच्छे कलर भर दो तो हमें सुख प्रतीत होता है, और बुरे कलर भर दो तो हमें दुख प्रतीत होता है। काला रंग भर दो दुख मिलेगा, सफ़ेद रंग भर लो सुख मिलेगा, ये सुख और दुख कहाँ पैदा होता है? तो ज्ञानी कहते हैं सुख और दुख दोनों ही हमारी अपनी मन की व्याख्याओं में होता है। एक ही घटना मन की व्याख्या से सुख बन सकती है,
मन की दूसरी व्याख्या से, विपरीत व्याख्या से दुख बन सकती है। घटना अपने आप में कुछ नहीं होती, घटना अपने आप में कुछ नहीं होती, पर इस किसी एक घटना से किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है मेरे को अपमान कर दिया गया, और वो अस्त्र शस्त्र उठा करके वार करता है, युद्ध करता है। आप देखो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आप देखो भारत के सारे युद्ध आपस में राजाओं के हुए, सामंतों के हुए, और अगर हम जरा खोज करें कि ये युद्ध हुए किन कारणों से, निष्पक्ष होकर के खोजे, तो बड़ी हैरानी होगी इन युद्धों के पीछे कारण क्या था। कुछ नहीं, आदमी ने मान लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बस झगड़ा। सारे झगड़े कहां पैदा होते हैं जरा देखना, घटना की व्याख्या दिमाग करता है। और इसलिए पूरी दुनिया में अगर किसी चीज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो वो है हम अपनी विचारणा को ट्रेनिंग दे, कि हमारी सोच कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो। हमारी दृष्टि ही व्याख्या करने वाली है, चाहे कुछ भी हो। एक मोनेस्ट्री, एक आश्रम है जिसमें गुरु शिष्यों को ज्ञान देता है, और जो शिष्यों को ट्रेन करता है तो कई बार बड़ा कठोर व्यवहार करता है, शिष्यों को डांटता है, फटकारता है, भोजन भी नहीं देता है, ये पहले ये सीखो उसके बाद खाना मिलेगा। कुछ शिष्य कहते हैं ऐसा स्ट्रिक्ट गुरु है तभी हम सुधरेंगे, वरना हम भी नहीं सुधरते, हम भी नहीं बदलते, बहुत अच्छा कर रहा है गुरु। कुछ शिष्य कहते हैं गुरुदेव ने डांटा जरूर मेरे कल्याण के लिए डांटा, अब दोबारा मुझसे गलती होगी नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा। और कुछ शिष्य कहते हैं ये गुरु है कि यमदूत है, साला जान से मारी डालना चाहता है, मेरे पिताजी ने इसको पैसा मुझे मारने के लिए दिया था क्या, ये मुझे सिखाने के लिए दिया था, ये कब गुरु मरे। कुछ शिष्य ऐसे क्यों होते जो सोचते हैं गुरु मरे, इसकी वजह से सारे दुख मिल रहे, ना ये रहे ना इतना कठोर अनुशासन रहे, हिलता ही नहीं है, रिश्वत भी नहीं लेता, मानता ही नहीं, और वो गुरु के लिए ऐसी सोच सकते हैं। अब बताओ गुरु एक ही है और सारे शिष्यों की व्याख्याएं अलग अलग है, सब संसार ऐसा ही है। पिता डांटे तो बेटा नाराज हो जाए, अब एक बेटा नाराज हो जाता है और दूसरा कहता है थैंक यू पापा आपने डांटा तो मैं सुधर गया, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं पढ़ रही थी अमेरिका की एक स्टोरी, अमेरिका के किसी शहर के अंदर में दो भाई रहते थे, पिता की उनकी डेथ हो चुकी थी, और दो भाई में से एक भाई ऐसा था जिसने 35 साल की उम्र के अंदर में हजारों डॉलर कमाए, और उसने एक पूरी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी और बिजनेस फैलाना शुरू किया। तो 35 साल की उम्र में उसका बिजनेस इतना फैला कि चारों लोगों में खलबली मच गई कि इतनी युवा उम्र और इतना उसने फैलाव कर लिया, जाए मीडिया वाले लोग तो छोड़ते नहीं, जाते इसकी रिपोर्ट लेकर के आते हैं, तो कुछ रिपोर्टर्स पहुँच गए उसके पास में, और रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी ग्रैंड सक्सेस अचीव करी, आपकी सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट क्या है, आपने ये सब कुछ कैसे पाया। अभी हमारे इंडिया के लोग होते तो तुरंत कह देते कि वो गुरु कृपा है, वो फला देवता की कृपा है, वो फला मेरे ज्योतिषी की कृपा है। अब वहाँ कोई कृपा रपा रफ शब्द नहीं बोलता है, वहाँ जो सक्सेस पाते उसके पास में वो कुछ प्रैक्टिकल रीजंस देते हैं। तो उसे पूछा गया कि तुमने इस ग्रैंड सक्सेस को कैसे पाया, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ा बंगला, सब कुछ बना लिया। उसने कहा ड्यू टू माई फादर, ये सब मेरे पापा की वजह से मैंने पाया, सब मेरे पापा की को देख करके मैंने सीखा और उसकी वजह से मैंने पाया। रिपोर्टर्स ने लिख लिया क्योंकि कल न्यूज़ में आने वाला है, सारी बातें नोट डाउन कर ली गई। उन्होंने सोचा कि जब इससे मिल लिए तो इसके भाई से भी मिलने जरा, तो उसके भाई से मिलने के लिए गए। भाई रहता एकदम झोपड़ी के अंदर में, उसके पास रहने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, झोपड़ी बोले तो एकदम दीन दुर्दशा में वो जीता है, उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, फटे पुराने से कपड़े, खाने तक के लिए उसके पास सामान नहीं। उसके घर में गए और पूछा कि क्या तुम उसी मिस्टर के भाई हो, बोला यस मैं उसी का बड़ा भाई हूँ। कि तुम उसके बड़े भाई हो, कि हाँ, कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा और तुम्हारा छोटा भाई ने सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, तो तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण क्या है।
जनरली लोग क्या सोचेंगे, भाई भाई में बनती नहीं होगी, और जो बहुत पैसे वाला है उसने सबके पैसे हड़प लिए होंगे, बड़े भाई की सारी किस्मत के वो जितने पैसे अकाउंट में आने थे सब अपने अकाउंट में ले लिए होंगे, चीटिंग की होगी, जैसे हमारे इंडिया के लोग सोचते हैं कि अगर एक भाई अमीर है और दूसरा भाई गरीब है तो सिंपल की बात है कि पिता ने पैसे दिए होंगे तो इन्होंने अन्याय किया होगा, उस भाई के पैसे छीन लिए होंगे, कोर्ट केस डाल दिया होगा, एक्स वाई जेड, हम लोग यही सोचते हैं बाहर से दुनिया घटना देखने पर हम सब ऐसी बातें सोचा करते हैं। उसे पूछा गया कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी दुर्दशा वाली हालत कारण क्या, तो वो कहता ड्यू टू माय फादर, मैं पापा की वजह से ऐसा जिंदगी जी रहा हूं। वो रिपोर्टर बड़ा हैरान हुआ, वो कि दोनों ही लोग यही कह रहे कि पापा की वजह से जी रहा हूं, अब एक अमीर हुआ तो पापा की वजह से और एक दीन दुखी हालत में तो पापा की वजह से, तो उनके पापा ने ऐसा क्या किया। तो सवाल पूछा उस रिपोर्टर ने कि तुम्हारे पापा क्या किया करते थे और तुम्हारे पापा ने क्या तुम्हें क्या दिया, क्या सिखाया कि जिस वजह से तुम आज इस हालत में हो, क्या उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सारी जायदाद उसको विरासत में दी और तुम्हें कुछ नहीं दी। बड़ा भाई बोला कि बात ऐसी है कि मैं अपने पापा की वजह से शराब पीना सीख गया, मेरे पापा बहुत शराबी थे, रोज़ शराब पी करके आते थे, कुछ कमाते धमाते नहीं थे और माँ जितना पैसा कमा के लाती थी उस पैसे को भी माँ से छीन लेते थे, माँ को मारा करते थे, मैंने वही सब कुछ देखा, शराब पीने की लत मुझे भी लग गई बचपन से, मुझे भी ऐसे दोस्त मिल गए, आज दुनिया में मेरे पापा नहीं है लेकिन पापा ने मुझे शराब पीना सिखा दिया और इसकी वजह से मेरी गृहस्थी भी ऐसी बन गई, अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके जा चुकी है, अपने बच्चों को साथ ले गई है, मैं अकेला यहाँ पड़ा हूँ, जिंदगानी में इस शराब ने मुझे बर्बाद कर दिया। और शराब पीना सिखाया किसने, पापा ने। अब रिपोर्टर से सहन नहीं हुई ये बात कि फिर वो छोटे वाले बेटे ने पैसा कैसे कमा लिया, वे उसके पास दोबारा गए, पूछे तुम कहते हो कि पापा की वजह से तुमने सक्सेस हासिल की, तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या सिखाया। उसने कहा मैंने बचपन में देखा कि मेरे पापा शराबी है और वो शराब में सारे पैसे उड़ा देते तो हमारी पढ़ाई बंद हो गई, क्योंकि माँ के पास जितना पैसा होता पापा छीन के ले जाते, हम पढ़ लिख नहीं पाए और वे माँ को मारते थे पीटते थे, मेरी माँ फिर भी सहन करती थी, चुपके हमको खाना खिलाती थी, हमको पढ़ाई के लिए किसी भांति वो पैसे निकालती थी, मैंने तभी सीख लिया कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, इस शराब की वजह से पूरा घर बर्बाद हो रहा है। उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया कि मैं कभी शराब छूंगा भी नहीं, शराबी दोस्तों के पास भी नहीं रहूंगा। घटना एक ही थी, दोनों के पिता एक ही है, एक ही पिता है, वो शराबी है, लेकिन दोनों ने प्रेरणा क्या ली, ठीक है ना। बस यही संसार है। ये बात इसलिए समझने की, और मैं समझती हूँ बार बार समझने की है, ताकि हमें एक बात समझ में आ जाए कि हम ये ना कह सके कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। जनरली हम सारे लोगों की जुबान ऐसे ही व्याख्या करती है किसी भी चीज की कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं कहती। कोई है हमारे में से जो इस तरह के सेंटेंस ना बोलता हो? हम सभी बोलते हैं, पति गुस्से वाला है इसलिए परेशान रहती हूँ, पति पैसे नहीं कमाता इसलिए परेशान रहती हूँ, बेटा शैतानियाँ बहुत करता है इसलिए गुस्सा आता है, घर में कोई ध्यान नहीं रखता इसीलिए बीमार रहती हूँ, कोई मेरे को पूछता नहीं है यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। हम सबके पास में जितनी भी परेशानियाँ हैं सारी परेशानियों का कारण कहाँ है, जितनी भी परेशानियाँ खोजो जरा, आज बैठ करके सारे प्रश्नों को जवाब खोजो कि मेरी सारी परेशानियों का कारण कहाँ है, पत्नी में, पति में, पैसे में, सोर्स ऑफ इनकम में, इस मकान में, इस दुकान में, मेरे पड़ोसी में। और लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। एक बहन आई, बोलती है महाराज साहब मेरी देवरानी मुझे देख करके बिल्कुल खुश नहीं रहती। मैंने कहा कैसे कैसे खुश नहीं रहती, वो आपके साथ रहती है? बोला महाराज साहब साथ रहने का तो सवाल ही नहीं। मैं कहा जो साथ रहने का ही सवाल है तो वो खुश क्यों नहीं रहती? बोले वो नीचे रहती है मैं ऊपर रहती हूँ, मैं जब भी बढ़िया कपड़े पहन करके निकलती हूँ तो वो दरवाज़ा देख से मुझे देखती है और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैंने कहा इतनी सी बात और आपने मान लिया कि वो खुश नहीं रहती? कि हाँ वो खुश नहीं रहती है, ये तो एक ही टेंशन रहती है कि उसी की नज़र लगती है इसीलिए मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलता। मैंने कहा उसकी नज़र लगे ना लगे तुम सोच करके अपने ऊपर खुद ही नज़र लगा देती हो, और हकीकत है कोई और हमारे को नज़र से देख रहा है या नहीं देख रहा, हम अपनी ही नज़र में सोच लेते हैं कि उसकी नज़र मुझे लग गई। और ये इतना कॉमन है कि हम में से हर एक आदमी के दिमाग में ऐसे ही व्याख्या चलती है कि फलां की नज़र। अब वो एक भाई एक दिन मेरे पास आके बैठा, बोला महाराज साहब पहले इतना अच्छा बिजनेस चलता था फिर किसी की नज़र लग गई, अब देखो
तो मेरे पास दूसरा श्रावक और बैठा था, वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचता था। उसने तुरंत बीच में सवाल किया कि दाल रोटी के पैसे आते कि नहीं आते? कि आते हैं। अच्छा, दाल रोटी के पैसे आते हैं? कि हाँ। अच्छा, तुम दुकान का किराया अभी भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो? कि भर पा रहा हूँ। फिर किस बात की नज़र लगी? जिसने नज़र लगी उसने पूरी नज़र लगानी चाहिए थी ना कि दाल रोटी का भी पैसा ना मिले। और किसी ने नज़र ही लगाई है तो कम से कम ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए था तुम्हारा। लेकिन सब कुछ तो चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अब ज़्यादा नहीं हो रहा तो हर वक्त तो सबका ज़्यादा नहीं हो सकता। ये तो ताश के पत्तों का गेम है। कभी इक्का तुम्हारे पास आएगा, कभी इक्का सामने वाले के पास में जाएगा, कभी तुम्हारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, कभी पड़ोसी का चलेगा। तो क्यों मानते हो नज़र लग गई? लेकिन हम सब ऐसे ही सोचे चले जाते हैं। इसीलिए ये जो नज़र है ना, नज़र, इसी को दृष्टि बोलते हैं। तो सारी दुनिया कहाँ है? हमारी दृष्टि में है, सारी सोच में है। और ये जो विचार व्याख्या हमारा दिमाग कर रहा है, इसको ट्रेन करो। इस व्याख्या करने वाले दिमाग को ट्रेनिंग दो कि वो व्याख्या कैसी करे, वो हर घटना की व्याख्या कैसी करे। घटना घटना है, भूल जाओ इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं पढ़ा है घटना में। वो घटना एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह बस सामने है, उसमें कुछ नहीं पढ़ा है। सारी व्याख्या कहाँ है? दिमाग में। अब दिमाग कैसी व्याख्या करेगा? जब हम छोटे थे ना तो हमारे माता जी जब प्रवचन सुनने जाते थे, जैसे आप सब आते हो, तो जैसे वो प्रवचन सुन के घर पे आते, हम लोग सुबह स्कूल जाते, हम तो पर्यूषण होते तो भी प्रवचन सुनने नहीं जा सकते थे। जब स्कूल से घर पे आते तो हम पहले माँ से पूछते, आज महाराज साहब ने कहानी क्या सुनाई? आप लोगों के भी बच्चे शायद आपसे पूछते होंगे, और अगर नहीं भी पूछे तो आपके मन में भी आता होगा ना, कोई अच्छी बात सुनी है तो जाकर के अपने बच्चों को वापस शेयर करें। और अगर नहीं करते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि ये हम अपना अनुभव कहते हैं कि हमारी माता जी तब हमें शेयर, वो बातें शेयर करती थी कि आज महाराज साहब से हम ये कहानी सुन करके आए। उसका इम्पैक्ट हम पर अब तक है। हमें साधु बनने में बहुत सारी मदद करी उन बातों ने जो माता जी सुन करके आती थी। माता जी श्रीपाल चरित्र सुन के आती, वो हमें सुनाती, वो सारी कहानियाँ हमें सुनाती थी, और उसी का इम्पैक्ट है कि हम आज इस पट्टे तक पहुँच पाए हैं। तो आप लोग भी जरूर सुनाना। एक कहानी सुनी थी मैंने, वो कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, आज मैं भी आपको सुनाती हूँ। आज पता है कहानी सुनाने का मूड हो रहा है लगता है। कल था यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, तो मेरा मन आज हो रहा है कहानी सुनाने का। तो क्या सुना मैंने कहानी के अंदर में, कि एक सेठ साहब थे, हाँ दीपचंद उनका नाम था, और वो सेठ साहब बहुत पैसे वाले थे, गाँव भर में उनकी बहुत धाक थी, और सब लोग उनसे पैसे उधार मांग के ले जाते, और वो देते भी थे, उधार थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, देते भी थे, समय पर लोग आकर के दे भी जाते थे, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट थी गांव के अंदर में। अब एक समय ऐसा आया, समय है बदल जाता है, एक समय ऐसा भी आया उनके साथ में कि उनके जितने जहाज लौट करके आ रहे थे, तूफान के अंदर सारे जहाज डूब गए, और बिजनेस जितना पैसा उनको आना था सारा की सारा खत्म। अब बिजनेस एकदम से चौपट हो गया। अब जो थोड़ा बहुत उनका बिजनेस फैला हुआ था, उनको संभालने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन संभला नहीं, और एक दिन यहाँ तक पहुँच गया कि बिजनेस खत्म होते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि जो लोग पैसा ले गए वो दे नहीं रहे, जिनको जिनसे इनको लेना है वो भी दे नहीं रहे, और हर हाल में वो मतलब जीरो पे आ गए। और अब उनको लगा कि इस गांव के अंदर इज्जत बचा करके जीना भी मुश्किल है, क्योंकि अब कुछ सौदा हो नहीं रहा। अब सेठ साहब थे, जिंदगी भर सबका रिस्पेक्ट मिला, जी हजूरी मिली, खूब उन्होंने दिया भी, खूब उनको मिला भी, तो एक इमेज बन जाती है ना, और हम सबके साथ हमारी इमेज जुड़ी हुई होती है। और दिक्कतें कौन डालती है देखना, जिंदगी में ज्ञान मिलने के बाद भी, समझदारी मिलने के बाद भी, हम अपनी समझदारी के साथ इसलिए कई बार डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि हमारी इमेज बाधा बन जाती है। और ये इमेजेस बहुत गजब की चीज है। इमेज बोले तो आप समझ गए ना, हमने एक मानसिक प्रतिमा बना रखी होती है। अब उस सेठ ने एक मानसिक प्रतिमा बना रखी है कि आज दिन तक लोग उसके लिए काम करते रहे हैं, आज वो अपने गाँव में रह करके कोई नया धंधा शुरू करे, उसकी इमेज को ये बात गंवारा नहीं कि अब मैं वापस कोई नया धंधा शुरू करूं, यानी फिर से मेहनत करूं। आप देखो जो लोग बिजनेस करते रहे हो और 50 साल के बाद में उनको कहो कि तुम किसी और की दुकान पे जाके जॉब कर लो, तुम्हें 10,000 रुपये तो मिल जाएंगे, तुम्हारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, कुछ भी तुम्हारे घर में इनकम नहीं है, तो तुम जाकर के एक जॉब ही कर लो, 10,000-15,000 जो भी घर में आएगा, घर खर्च तो चलेगा। तो वो आदमी क्या कहता है? नहीं कर सकता। वो कहता है इतने साल जब मैंने बिजनेस किया है, इतने साल मैंने धंधा किया है, और आज मैं जाके कि किसी के घर में, किसी के यहाँ पे नौकरी करूँ,
और मैं किसी और के शेड के अंडर में रहूं और उसके ताने सुनूं, ये बात मुझे गवारा नहीं। देखो हमें कौन बाधा डालती है, ये जिंदगी की घटनाएं ये सिखाती है कि हम अपने इमेज के साथ कितने बंधे हुए होते हैं, और यही इमेज के कारण से हम जीवन के मूल्यों के साथ कभी मतलब ईमानदारी से जीवन के मूल्यों को जी नहीं सकते और जीवन में लचीले नहीं बने रह सकते। और कम से कम ये जो इमेज वाला प्रॉब्लम है ना, मैं देखती हूँ कि हम इंडियंस की मानसिकता में बहुत ज़्यादा है, और वो भी जो जितने गांव से जुड़ा हुआ है उसकी मानसिकता में तो बहुत ही ज़्यादा है, और जो अपने गाँव वालों के साथ रहता है यानी परिचितों के साथ रहता है वहाँ और ज़्यादा है। आप देखो यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, मैं पंजाब के दौरे से आ रही थी तो मैंने देखा गाँव के लोग बाहर रहते हैं, मतलब युवा लोग गांवों में है ही नहीं पंजाब के अंदर में, सब कोई लंदन रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है। तो कुछ लोग बाहर से आए हुए थे उन दिनों में, तो मैंने पूछा वहाँ क्या करते हो, तो बोला गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग का काम करता हूँ। कोई बोला मैं होटल के अंदर बह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ के लोगों को पता है कि नहीं नहीं महाराज साहब, यहाँ के लोगों को यही पता है कि मेरा बेटा फॉरेन में रहता है और पैसा घर बेचता है बस। अब यहाँ अगर हम सच्चाई बताएं कि हम वहाँ क्या करते हैं तो हमारी तो इमेज डाउन हो जाएगी, तो यहाँ हम कैसे बता सकते हैं। तो उस शेड के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि इमेज डाउन हो जाएगी, अब वो कैसे वहाँ अपने गांव में रह करके कुछ काम करे। तो उसने अपने पत्नी को कहा कि अब एक बात ऐसी है कि अपने पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो तू संभालना घर और मैं जाता हूँ दिसावर। अब पुराने युग की बातें हैं, दिसावर जाना कहते थे ना बाहर जाने को, जैसे आज आप लोग बॉम्बे आ गए तो जब मेवाड़ से आए थे तो लोग क्या कहते थे, दिशावर जा रहे हैं, और आज जब तुम वापस मेवाड़ जाते हो तो क्या बोलते हो, देश जा रहे हैं। वो तो तुम्हारा देश है, मैं कहती हूँ ये परदेश है ना, लेकिन अभी परदेश स्वदेश हो गया है। तो अभी वो भी बोला कि भाई दिशावर जाता हूँ, वो चला गया गाँव से निकला, किसी और गाँव तक पहुँचा। जब किसी और गाँव में पहुँचने लगा, उस गाँव के अंदर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़ोर से भूख लगी उसको। अब भूख लगी तो खाना खाने कहाँ जाए, खाना खरीदे ऐसा पैसा तो उसके पास में था ही नहीं। और आपको पता हो तो पहले के ज़माने में खाने की कोई दुकानें नहीं होती थी, आज जितने खाने की फूड पॉइंट्स होते हैं आप देखो, पहले पिछले युगों के अंदर में खाने की कोई दुकान नहीं होती थी। एक आदमी किसी भी गांव से आया और किसी भी घर के बाहर चौगान पाके बैठ गया है, घर के बाहर वाले बेने पाके बैठ गया है, तो गाँव का हर आदमी उसको कहता भाई साहब कहाँ से आए हो, भोजन ले लो पानी पी लो। मतलब भोजन और पानी हर आदमी अपने मन से दिल से खिलाता था। भोजन का पैसा बोले तो सबसे घृणा योग्य माना जाता था कि क्या खाने का भी कोई पैसा लिया जाता है, खाना तो एक ऐसी चीज़ है जो अपने दिल से खिलाई जाती है, खाने का पैसा मतलब ये तो दूर दूर तक किसी सोच में ही नहीं था। और आज हम किसी को बोले, आज तो लोग खाने का पैसा देकर के खाना पसंद करते हैं और खिलाना भी। खैर तो वो आदमी खाने की उसको भूख लगी, तो उसने गाँव में सोचा कि कहाँ जाऊँ खाने के लिए, तो पता लगा आज किसी सेठ के यहाँ पे भंडारा है, भंडारा करते थे लोग कोई भी अच्छा दिन होता तो वो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि सारा गांव वहीं पे खाने के लिए बैठा हुआ था, उसने सारे गांव वाले को न्योत रखा था। वो जाके बैठ गया खाने के लिए, सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा था। सेठ जिसकी तरफ से भंडारा था वो खाना परोस रहा था, और वो खाना सबको परोस रहा था, खुश मन से परोस रहा था, रोटी सब्जी पूड़ी और फिर लास्ट में दाल चावल और उसके लास्ट में पापड़, है ना, पापड़ लास्ट में खाया जाता है। अब वो पापड़ परोस रहा था, अब पापड़ ऐसी चीज़ है कि उठा के नीचे रखो तब तक भी टूट जाती है। अब उस सेठ की थाली में जब पापड़ आया और जिस सेठ की तरफ से भंडारा था, उस सेठ ने जब पापड़ रखा वो पापड़ तब तक टूट चुका था, और पापड़ों की पूरी सीरीज के नीचे वाला पापड़ तो वैसे ही टूट जाता है, तो वो पापड़ खंडित पापड़ था। उसकी थाली में जब पापड़ रखा तो उस सेठ को मन ही मन फील हुआ, कल तक मैं सेठ था, कल तक मैं सबको खाना खिलाया करता था, कल तक लोग मेरे द्वार पर आकर के मेरी जी हजूरी करते थे, और आज मेरी ये स्थिति आ गई कि मुझे इस सेठ के भंडारे में बैठ के खाना पड़ रहा है, और ये सेठ सबको तो पूरा पापड़ दे रहा है और एक मुझे को खंडित पापड़ दे रहा है, मतलब ये सेठ आज मेरी इंसल्ट कर रहा है, और ये सेठ इंसल्ट कर रहा है, मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। ये मानता क्या, समझता क्या अपने आप को, आज मैं इस दिन इस अवस्था में आ गया हूँ कि मुझे इसके घर पे खाना खाना पड़ रहा है, ये मैं इसका बदला जरूर लेकर के रहूंगा, मुझे खंडित पापड़ परोसा, गांठ बांध ली। कल हम बात कर रहे थे निर्ग्रंथ होने की, है ना, लेकिन हमारी इमेज के कारण से हम लोग गांठे बांधते हैं। गांठे क्यों बांधते हैं, कारणों को समझना,
घटना सिंपल घटना होती है, लेकिन हमारी इमेज, हमारी सोच, हमारी दृष्टि हर एक घटना को लेकर के कोई ना कोई तरह की मन में व्याख्या कर लेती है और वही व्याख्या घटना की गांठ मन में बन जाती है। गांठ का बनना ही कर्म का बंधन कहलाता है। अब उस सेठ ने गांठ बांध ली कि मैं इस बदला खंडित पापड़ का बदला लेकर के रहूंगा। उस गांव को छोड़ दिया, उसने किसी और गांव चला गया। किसी और गांव में जाकर के उसने नौकरी भी करी, जिसके यहाँ नौकरी करी धीरे धीरे, अकल तो उस सेठ के पास में थी ही, अपनी अकल से जिसके यहाँ नौकरी करी उसका खूब धंधा बढ़ाया, उसका खूब धंधा बढ़ गया, पैसा खूब आने लग गया। तो उसने खुश होकर के कहा कि अब तू पार्टनर बन जा, भागीदार बन जा। 6 महीने में तो वो भागीदार बन गया और उसके बाद वाले 6 महीने के अंदर, यानी 1 साल के अंदर, उसने उतना धन कमा लिया कि अब वो वापस अपने गांव में जा करके नया धंधा स्टार्ट कर सके। अब वो वापस अपने गाँव के लिए लौट रहा है। रास्ते में वही गाँव आता है जिस गाँव में उसने भंडारे में खाना खाया था। उस गाँव में आकर के ठहरता है, मंदिर के अंदर ठहरा और उसने घोषणा करवाई कि कल पूरे गांव के लिए भोजन मेरी तरफ से, भंडारा मेरी तरफ से, हलवाई वगैरह सब कुछ बुक करवा लिया गया, भंडारा हुआ, पूरे गांव के लोग आए। उस सेठ को स्पेशल बुलवाया कि आप भी जरूर आइएगा। सेठ को तो कुछ पता नहीं किसने बुलवाया, उसको तो यही पता है कोई बाहर गाँव का आदमी आया और भंडारा किया है। वो भी चला गया, खाना खाने के लिए बैठ गया, वो सबको परोस रहा है। और जब उसकी बारी आई उस सेठ की, तो उसको पापड़ तोड़ करके फिर उसकी थाली में रखा। अब पापड़ तोड़ के थाली में रखा तो सेठ को तो कुछ मतलब नहीं, उसको तो पापड़ खाने से मतलब है। और सिंपल सी बात है, पापड़ हो या फुलका हो, खाएंगे कैसे भैया? तोड़ के ही खाने वाले हैं ना, पूरा तो कौन खाएगा? अब पूरा पापड़ तो मुंह में जा ही नहीं सकता, ना पूरा फुलका मुंह में जा सकता है, सभी लोग तोड़ के खाने वाले हैं। लेकिन उस सेठ ने उसकी थाली में पापड़ रखा तोड़ करके, फिर पूछता है, याद आया कि नहीं आया? सेठ बोला, जी क्या याद आना, पहचानो मुझको, मैं वही हूं। कौन आप, कौन हो आप? तुम्हारे गांव में पहली बार आए हो, आपने भंडारा किया, सबको बुलाया, इसलिए हम भी आपके स्नेह निमंत्रण पर आ गए। पहचाना नहीं ना तुमने? तुमने ही तो मुझे उस दिन जानबूझ करके खंडित पापड़ मेरी थाली में रखा था, उसका बदला लेने के लिए मैंने आज ये सारा काम किया। अब सेठ हंसा और मुस्कुराया और बोला, वाह 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 वाह, अगर मेरे को खंडित पापड़ का बदला लेने के लिए तुमने इतना बड़ा भंडारा किया, मुझे अकेले कोई बुला करके खाना खिला देते, इतना खर्चा काहे को करते तुम? हाँ, लेकिन हम सारे लोगों की मानसिकता कैसी है? हम सब उस सेठ पर हंस रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी सोच कैसी है, जरा ध्यान देना। हाँ, हमारी अपनी सोच कैसी है? हम भी उस सेठ से कुछ भिन्न है क्या? हाँ, हमें भी पता लग जाए, और पता लगेगा क्या? हम अपने दिमाग में व्याख्या करेंगे, ओ फला आदमी ने मुझे अपने घर पे बुलाया, फीकी चाय पिलाई, बस जानबूझ करके। चाय रखी थी, नाश्ते की प्लेट मेरे सामने नहीं रखी थी, मेरे साथी के सामने पहले आगे नाश्ते की प्लेट बढ़ाई थी, यानी वो पैसे वाला है, उसके सामने तो नाश्ते की प्लेट रखी गई और मेरे सामने नहीं रखी गई। मन ने व्याख्या कर ली, और मन ऐसी व्याख्या करके ऐसी गांठें बना लेता है कि जिंदगी भर वो गांठें खुलती नहीं। ये दृष्टि का कमाल है। इसीलिए प्रभु महावीर कहते हैं कि सारा संसार सब लिप्त है कर्मों में, और इच्छतम घड़िए लोए, सब इस लोक में घड़े हुए हैं, खूटिया कैसे गाड़ देते हैं, ऐसे हमने अपनी मानसिकता को दुनिया में गाड़ रखा है, हिलती नहीं है मानसिकता। हम कितने प्रवचन सुन लेना, वो 2-4 मिनट का असर होगा, उसके बाद में वो खूटिया इतनी गहरी घड़ी हुई है कि महाराज साहब का सारा प्रवचन हवाओं में आता है, चला जाता है, लेकिन जो अंदर गड़ा हुआ है वो लोभ है, अंदर गड़ा हुआ है वो मान है, अंदर गड़ा हुआ वो क्रोध है, गड़ी हुई माया है, वो बाहर नहीं निकलती। उनको बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर ध्यान में जाना पड़ेगा, ध्यान में जाकर के अपने गड़े हुए बंधनों को देखना पड़ेगा कि मेरे बंधन कहाँ कहाँ हैं, किसके प्रति मैंने मन में गांठें बांध रखी है। न जाने किसने खंडित पापड़ परोसा होगा, न जाने किसने कोई खंडित बात कह दी होगी, और हम लोग बातों को पकड़ते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं। और परमात्मा महावीर ने जहाँ परिग्रह की बात करी, कल हम बात कर रहे थे कि उन्होंने तीर्थंकर महावीर ने क्रांतिकारी जो घोषणा दी, जो सूत्र दिया, वो था कि अपरिग्रही हो जाओ, परिग्रह छोड़ो। वो परिग्रह कितनी प्रकार का कहा उन्होंने? कहा 5 प्रकार का परिग्रह है। यूँ तो बहुत अलग अलग भेद शास्त्रों में मिलते हैं, पर एक भेद मिलता है 5 प्रकार का। उसमें कहा शब्द का परिग्रह, रूप का परिग्रह,
गंध का परिग्रह, रस का परिग्रह और स्पर्श का परिग्रह। और हम देखें, हम अपनी दुनिया में सारे परिग्रह किए बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिग्रह जो हमने कर रखा है वो है शब्द का परिग्रह। हम सब ने शब्दों को पकड़ रखा है, किसी ने अच्छा वचन दिया वो भी याद रहेगा जिंदगी भर, और किसी ने बुरा कह दिया तो वो भी याद रहेगा जिंदगी भर। ये जो शब्दों की यावत स्पर्श तक की परिग्रह पकड़, इनका जो गाढ़ बंधन हमने बांध रखा है, इस बंधनों को हम अपने प्रतिक्रमण के द्वारा जाने कि मेरे मन ने क्या क्या बंधन बांध रखे हैं। प्रतिक्रमण के द्वारा यानी आँख बंद करें और अपने आप को निर्देश दें कि हे मेरे मन, तुम याद करो कि तुमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंधन बांध रखे हैं, किसके प्रति कैसी इमेज बना रखी है। दूसरों के प्रति भी मन ने इमेजेस बना रखी है, खुद के प्रति भी इमेजेस बना रखी है। इमेज को कहते हैं रूप, है ना, शब्द का बंधन, रूप का बंधन। अब हमने अपने शब्दों का बंधन भी बना रखा है, औरों के शब्दों का बंधन भी बना रखा है, हमने अपनी इमेज का बंधन भी बना रखा है, हमने औरों की इमेज का बंधन भी बना रखा है। हम दूसरे को भी एक इमेज में देखना चाहते हैं, खुद को भी एक इमेज में रखना चाहते हैं, और इस इमेज लेस हुए बिना हम ईगो लेस नहीं हो सकते। हम कितनी बातें करें गमन छोड़ दो, लेकिन जब तक इस इमेज के प्रति हम फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, हम अपना ईगो नहीं छोड़ सकते। और हमारा समाज क्या चाहता है कि तुम अपनी अपनी इमेज में स्टक अप रहो, पकड़े हुए रहो और इमेज के अकॉर्डिंग काम किया करो, और सारे पाप कौन करवाता है। देखो, अपनी इमेज का लगाव, अपने शब्दों का लगाव कितने पाप करवाता है, ये पकड़ ही सारे पाप करवाती है। इन अपनी बंधनों को जानो। महावीर ने नहीं कहा मोक्ष के लिए क्या करो क्या ना करो, उन्होंने एक ही बात करी कि मोक्ष की बात करना चाहते हो तो मोक्ष पे नहीं, बंधन को जानो, मोक्ष खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखो, जब भगवान से पूछा गया मोक्ष का मार्ग क्या है, बड़ा गजब का उत्तर सुयगणांग सूत्र की पहली गाथा में मिलता है। उन्होंने कहा कि बुझि चिति त्यु तेजा बंधनम परिजानिया, बूझो और तोड़ दो, जड़ से उखाड़ दो बंधनों को, बंधनों को जानो और बंधनों को उखाड़ दो, बस अपने आप से मोक्ष हो जाएगा। और वो बंधन जो अंदर घड़े हुए हैं, जो पकड़ अंदर बनी हुई है, उसको हमने प्रतिक्रमण के द्वारा जानना है। ये पर्युषण के 8 दिवस पूरी अंतर्मुखी साधना के दिवस है। इसमें हम अंदर जाके और अपने आप को देखें कि किस किस के शब्दों को हमने चित्त में गांठ बना रखी है, और लोग भूलते नहीं है, बरसों बरस भूलते नहीं है, बल्कि जिसने बोला वो मर भी गया ना, तब भी उसकी बातों को दिमाग में पकड़े हुए रहते हैं और कहते हैं छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। ये जो छोड़ूंगा तो नहीं हमारी जो धारणा है ना, यही हमारी धारणा संसार में हमारा परिभ्रमण करवाती है। तो परमात्मा महावीर के वचनों पे हम थोड़ा गौर करें। उन्होंने कहा कि पकड़ ही सारे बंधन है, और पकड़ के कारण ही सारे दुख है, और इन आदतों की पकड़ को, शब्दों की पकड़ को, रूपों की पकड़ को, स्पर्श की पकड़ को, इनको जान करके इनसे हम मुक्त हो जाएं। और ये सब व्याख्या कौन करता है, दृष्टि। इसीलिए किसको बदलना, लोगों को नहीं बदलना है, हम में से किसी को भी दूसरों को नहीं बदलना है। दूसरा तो निर्दोष है, दूसरा तो एक दृश्य है, और उस दृश्य में कोई रंग नहीं, रंग तो हमारा दिमाग भरने वाला है। इसलिए देखो, छोटे बच्चों को जब धार्मिक, छोटे बच्चों को जब चित्रकला सिखाई जाती है तो कैसे सिखाई जाती है, एक स्केच बना के दे दिया जाता है, फिर कहते हैं इसमें रंग भरो, है स्केच उसको नहीं बनाना होता है, वह छोटा बच्चा अभी वो आकृति नहीं बनाएगा, अभी उसको बनी हुई आकृतियों में रंग भरना होता है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें जब किसी व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करना होता है, स्टडी करनी होती है कि उसके दिमाग में क्या कुछ है, उसकी बीमारी क्या है, जिससे कि हम बीमारी का पता करके उसको उसके अकॉर्डिंग दवाई दे सके, तो हम लोग उसकी बीमारी का पता करने के लिए यही काम करते हैं कि उनको एक पेपर और पेन पकड़ा देते हैं और कहते हैं तुम कुछ भी स्केच बनाओ और उसके बाद में उसमें कलर भरो। अरे ना, हर आदमी का स्केच अलग अलग होगा, हर आदमी का कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा, बस उसके स्केच से और उसके कलर से वो साइकेट्रिस्ट जान लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, अटका हुआ कहाँ है, ग्रंथि कहाँ है, दिमाग में किस चीज़ की पकड़ बनाई हुई है। और वो भी यही व्याख्या कर रहे हैं कि इस पकड़ से ही आदमी परेशान है, पागल है। और आज हर 10 घर में से एक घर ऐसा मिलेगा जिसमें कोई ना कोई आदमी अबनॉर्मल है,
पागल है, कुछ कुछ बोला जाता है, कुछ गालियाँ दिया जाता है, कुछ का कुछ किए जाता है और हम सब घर वाले दुखी होते हैं, ऐसा क्यों है? और हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, पागल होना बहुत नॉर्मल है। जिस तरीके से हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें आज नहीं तो कल हर आदमी कहीं ना कहीं पागल होएगा, होएगा, होना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी ग्रंथियों का प्रतिक्रमण करके इसका निवारण नहीं किया, इसका विसर्जन नहीं किया, अंदर से सारी पकड़ को नहीं हटाया, तो आखिर कब तक भरेंगे अपने दिमाग को? और इतना दिमाग में जो हमने कूड़ा भर रखा है वो कहीं ना कहीं तो फिर निकलेगा ना, और जब निकलेगा फूटेगा तो वो पागलपन की तरह ही निकलेगा। इसीलिए इस पागलपन को हटाना है तो अपना प्रतिक्रमण करना सीखो, अपने दिमाग की पकड़ को खाली करना सीखो, पकड़ को छोड़ दो, पुरानी बातों को छोड़ दो, व्याख्याओं को बदलो, क्योंकि आज हम कहते हैं गांठ मत बनाओ, लेकिन अगर व्याख्या करने वाला नहीं बदला तो गांठें तो फिर बनेगी। आज हम कहते हैं कि इस लीकेज को दूर करो, लेकिन होगा क्या? एक आदमी नल चलाए और उसके बाद में कहे कि पानी से बाल्टी ना भरे तो वो क्या कहता है? नीचे हाथ लगा देता है ना? जब छोटे बच्चे थे हम गेम खेलते थे, नल चला दे नीचे वापस प्रेशर देते कि पानी ना निकले, और फिर क्या होता? जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा हाथ का लूज होता, मतलब हल्का सा नल के साथ हमने हाथ लगा दिया, प्रेशर हाथ थोड़ा सा ढीला पड़ा, पानी निकलता। अब पानी कैसे निकलता पता आपको? अब पानी साइड से निकलता है ना, अब पानी तिधर बितर होता, वरना तो सीधा निकलता, अब दाएं बाएं से निकलेगा। अब आज की हमारी सबकी जिंदगानी कैसी है? अंदर से क्रोध फूट रहा, मान फूट रहा, लोभ फूट रहा, अंदर से सारी ग्रंथियां बाहर फूट रही, ऊपर से हम सभ्यता का नाटक करके प्रेशर लगाते हैं, और फिर क्या होता है? जैसे ये सभ्यता का नाटक थोड़ा सा दूर होता है वो सारा पानी तितर बितर होके निकलता है। पुराना आदमी सभ्य नहीं था तो क्या करता? जैसा अंदर वैसा बाहर निकाल देता था। अभी हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हो गए, अब परेशानियां घट जानी चाहिए थी लेकिन घटेगी नहीं, बढ़ गई, क्योंकि हमने ऊपर से तो कपड़े पहन लिए अच्छी भाषा के, अच्छे शब्दों के, अच्छे सारे नाटक कर लिए, लेकिन अंदर के आवेगों को जहाँ से वो पैदा हो रहे हैं वहाँ से तो उनको बंद नहीं किया गया, और जैसे हमारा प्रेशर हटा पागलपन बढ़ना शुरू। इसलिए देखो 40 साल की उम्र के बाद में अधिकांश लोगों के अंदर का फूल खिलने की बजाय मुरझाना शुरू, पागलपन शुरू, और जितनी जितनी एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं वो झगड़े फसाद बढ़ते बढ़ते हमारे सारे परिवार संग समाज सब के सब बीमार हो रहे हैं। इन सारी बीमारियों का कारण, मूल कारण कहाँ है? मूल कारण कहाँ है? दृष्टि। क्या कारण है? दृष्टि, विचारणा जो व्याख्या करती है। इसीलिए काम किस पे करना है? दृष्टि पे काम करना है। जैन सूत्र कहते हैं मिथ्या दृष्टि कितनी तपस्या कर ले सब व्यर्थ हो जाएगी, और सम्यक दृष्टि एक श्वास में ही सारे कर्मों को काट देगा। क्यों? उसकी दृष्टि संकित है। आप सब तपस्या करो, लेकिन तपस्या करने से पहले तपस्या इस बात की करो कि दृष्टि निर्मल करो, व्याख्या सही करना सीखो, सम्यक दृष्टि हो जाओ, सारे रंग बिरंगे मिथ्यात्व के रंग भरने बंद करो, तो ही सच्ची तपस्या होगी, तो ही हमारे यही रास्ते जो आज बंधनों के प्रतीत हो रहे हैं वही कल मुक्ति की ओर ले जाने वाले बन जाएंगे। तो हम सब बंधनों से मुक्ति को साधें, मिथ्या दृष्टि का त्याग करें, सम्यक दृष्टि को अपनाएं, तभी यह सारा जीवन सार्थक होगा और पर्युषण पर्व की आराधना भी सार्थक हो पाएगी। जय हो, जय हो, जय हो।